हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्लच प्रिंट्स। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम ग्यू विलेज पहुँचे और ग्यू मोनेस्ट्री का 593 ईयर ओल्ड मम्मी देखा। मम्मी देखने के बाद हम आगे बढ़े टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज ताबू। ग्यू मोनेस्ट्री से ताबू 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। ये हमने ऑलमोस्ट एक घंटे में कवर किया एंड देन वी टुक अ ब्रेक। मोनेस्ट्री से अब हम नीचे आ गए हैं ताबू साइड और ताबो में करेंगे लंच और फिर कहाँ जाएंगे अविनाश? इधर ताबो मॉनेस्ट्री है, हम मॉनेस्ट्री देखेंगे उसके बाद हम निकलेंगे धनकर के लिए। तो जहाँ हम लंच करने वाले हैं यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, काफ़ी अच्छा रहा था। अविनाश ने चिकन बिरयानी ऑर्डर की है और मैंने थुपका, तो स्पीति में थोड़ा टिबेटियन इन्फ्लुएंस है तो फिर यहाँ पे थुपका और मोमोज और चाउमीन ये सारा उनका स्पेशलिटी है। आप बिरयानी ले लीजिए ना चुपचाप। कैसा है अविनाश? खाना खाने के बाद वी वेर अबाउट टू स्टेप इनटू अ रियल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड हिस्ट्री एज वी वेर सेट टू एक्सप्लोर द हिडन जेम ऑफ ताबो मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री 1000 साल पुरानी है और यह भारत और हिमालया में सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है जो अपने शुरुआत से लेकर अब तक नियमित रूप से संचालित हो रही है। अंदर कदम रखते ही यू कैन फील द एनर्जी ऑफ मॉन्क्स हु हैव प्रेड एंड मेडिटेटेड हियर फॉर जनरेशंस। Because of its archaeological and historical importance, the monastery is maintained by Archaeological Survey of India. 10,000 feet की ऊंचाई पर आके हमें ये पता चलता है कि there is always a timeless connection between humanity and divine. और फिर हम आगे बढ़े towards our next destination, which was Pin Valley. यहाँ स्पीति में हर थोड़े डिस्टेंस पर डायनामिक बदल जाता है। यू ट्रैवल फॉर फ्यू किलोमीटर्स एंड यू गेट अ कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू। जैसे कि ये दिलचस्प पहाड़, ये पत्थर से नहीं बल्कि मिट्टी से बने हुए हैं एंड येट दे स्टैंड टॉल एंड प्राउड डिफाइंग ग्रेविटी एंड टाइम। ये रास्ते जितने सुंदर है उतने ही मुश्किल भी है। दीज नैरो रोड्स फाइंडिंग थ्रू द माउंटेन्स कैन मेक योर हार्ट रेस स्पेशली व्हेन अ व्हीकल कम्स फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। देख सकते हो द एज वॉज सो क्लोज, इट्स लाइक अ डांस विद डेस्टिनी एवरी टाइम अ व्हीकल अप्रोचेस। बट फियर नॉट, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द थ्रिल। द नैरो रोड्स, द हार्ट पाउंडिंग मोमेंट्स एंड द स्पीति रिवर्स सूदिंग प्रेजेंस, इट्स अ सिम्फनी ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स दैट मेक दिस जर्नी ट्रूली अनफॉरगेटेबल। अब वैसे भी सब कहते ही है इट्स ऑल अबाउट द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन।
एंड देन वी एंटर्ड पिन वैली, एक ऐसी जगह जो सपनों से कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मदर नेचर हैज टेकन आउट अ फाइनेस्ट ब्रश टू क्रिएट अ मास्टरपीस ऑन दीज टॉवरिंग कैनवासेस। अभी शाम के लगभग 6:30 हो रहे थे और हमारे बाजू में बहुत ही भव्य बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे। ये वैली थी इसलिए हवा भी काफ़ी तेज़ी से बह रही थी, उसके कारण टेम्परेचर बहुत कम हो गया था, -2 तक चला गया था और मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी। पर वहाँ के बच्चों ने हाई फाई देकर हमारा बहुत ही वार्म वेलकम किया, उसके कारण थोड़ी टाइम के लिए तो मैं अपनी ठंडी बिल्कुल भूल गई। हमारा प्लान था पिन वैली में स्टे करने का, बट आई स्टार्टेड हैविंग सेकंड थॉट्स। स्टे ट्यून्ड टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनक्लच प्रिंट्स।